आदरणीय वंदे जी, सभी श्रद्धावान शील संपन्न उपासक उपासिका की ओर से मैं आपको याचना करता हूँ कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित कर भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सत्धम्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। ठीक है, साधुवाद जी। साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। श्रद्धावंत उपासको, हम धर्म देशना से आरंभ में धर्म देशना के आरंभ में हमें धर्म का ज्ञान बताने वाले अति पूजनीय गुरु बहन्दे जी को हम वंदन करते हैं। साधु साधु साधु। और उपासको, हम पिछले कुछ धर्म देशनाओं में ब्रह्म विहार के बारे में धर्म देशना धर्म प्रवचन सुन रहे हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध ने जिस अर्थ अर्थ में जो धर्म बताया है उसी अर्थ में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तथागत के श्री सद्धर्म में निर्वाण का स्वाद है, यानी कि जो कुछ भी हम सीखते हैं वो श्री सद्धर्म हमें निर्वाण की ओर ले जाता है। निर्वाण की ओर ले जाने में ही ये तथागत का धर्म हमें सहायक बनता है, प्रेरक बनता है। तो ये ब्रह्म विहार की भावना भी परम निर्वाण की ओर ले जाती है। ब्रह्म विहार, उसके नाम में ही सर्वश्रेष्ठता है, वो एक सर्वश्रेष्ठ विहार है। तो हमने जैसे कि मैत्री ब्रह्म विहार के बारे में जानकारी देखी है परिपूर्ण रूप में, करुणा ब्रह्म विहार के बारे में भी परिपूर्ण जानकारी देखी है जितनी आवश्यक है। और आज हम मुदिता ब्रह्म विहार के बारे में आज जानकारी देखेंगे, और अगले प्रवचन में उपेक्षा ब्रह्म विहार के बारे में। इस तरह से हम परिपूर्ण ब्रह्म विहार की भावना सीख लेंगे। तो ये ब्रह्म विहार की भावना अपने नित्य जीवन में उतारनी होती है, उसका अभ्यास करना होता है हर दिन हर समय में। तो इसकी भावना करने के लिए जो हम ब्रह्म विहार के जो भी अंग है, तो उसके साथ जब हमारा चित्त उत्पन्न होता है, जैसे चाहे मैत्री युक्त हो, चाहे करुणा युक्त हो, चाहे मुदिता युक्त हो, चाहे उपेक्षा युक्त हो, तो उसके साथ में हमारा चित्त स्वभाव जो प्रकट होता है, या हमारे वाणी की क्रियाएं वैसी होती घटित होती है, या शरीर से हम कुछ कर्म करते हैं, तो हमारी वो क्रियाएं वैसे बनती है, मैत्री सहगत बनती है, करुणा सहगत, मुदिता सहगत और उपेक्षा सहगत। लेकिन हमें ये ब्रह्म विहार की भावना करनी होती है, जैसे कि जिस किसी प्रकार की, मतलब जो अंग है ब्रह्म विहार का भावना है, तो उसके सहगत, जैसे अगर मैत्री है तो उसके सहगत, उससे युक्त, उसके साथ में चेतु विमुक्ति, यानी कि चित्त की एकाग्रता के साथ में उस ब्रह्म विहार को, उस अंग का भी मतलब स्पर्श होना चाहिए, उसकी भावना होनी चाहिए, तब वो ब्रह्म विहार कहलाता है। और वो जब हम मन क्रियाओं में वो ये ब्रह्म विहार का स्पर्श होता है, उसके साथ जुड़ रहता है, तो वो सहगत बनता है। और हमारे हमारे सभी इरियापतों में, जैसे कि हम बैठे हुए हैं, चंक्रमण कर रहे हैं, खड़े हुए हैं और लेटे हुए हैं, इन चारों इरियापथों में भी जब हम उसी उसकी भावना करते हैं, तो वो भावना भावित होती है, उसको भावित, उसकी भावना कहते हैं। तो पहले जो उसके युक्त तो बन जाता है, तो आसेवित है, उसका आसेवन हो जाता है, फिर
फिर उसकी भावना होती है, फिर उस भावना को हम बार बार बढ़ाते हैं तो बहुली कथा है ना। तो आदि रूप से जैसे हमने इसके बारे में जो परिचय देखा, शब्द का अर्थ भी देखा है, तो उसको समझना है, तो ये अंग परिपूर्ण होने चाहिए। आसेविताय, भाविताय, बहुलिकताय, यानिकताय, अनुत्थिताय, परिचिताय, सुसमारंथाय, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्रह्म विहार की भावना फिर परिपूर्ण होती है, ये ब्रह्म विहार बन जाता है। तो ये ब्रह्म विहार के आरंभ में भी हमने देखा है कि ये ब्रह्म विहार की गति क्या है ना, उसके प्रतिफल क्या है, उस किस तरह से करनी होती है आदि रूप से। तो आज हम मुदिता ब्रह्म विहार की भावना के बारे में सीखेंगे, ठीक है। अभी उसके अर्थ और स्पष्टीकरण के बारे में बताने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी भावना सीखते हैं, ठीक है। तो उस मुदिता, पहले उसका अर्थ भी थोड़ा समझ लेते हैं कि मुदिता आखिर क्या होती है। मुदिता यानी कि किसी दूसरे सुखी व्यक्ति को, यानी कि जैसे प्रसन्न है, सुखी व्यक्ति है, तो उस सुखी व्यक्ति को, उसके सुख को देखकर अपने मन में भी जो प्रीति जागती है, जो खुशी जागती है, प्रसन्नता जागती है, तो उसको मुदिता भावना कहते हैं, मुदित होना, है ना। और भी जैसे देखा जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि कोई एक माता है अपने प्रिय पुत्र को जिस तरह की उसको सुखी देखकर जिस तरह से उसकी ओर देखती है, उसके उसके सुख को महसूस करती है, और वो भी खुश होती है, वो भी आनंदित होती है, प्रसन्न होती है ना। तो वो मुदिता भावना। तो ये पेरेंट्स में ये बात होती ही है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इसीलिए उनको ये ब्रह्मा का प्रतिरूप या ब्रह्मा भी बोलते हैं, तो ये उनका स्वभाव होता है। तो बाकी भी समाज में या बाकी भी दुनिया में हम देखते हैं कि जो कोई हमारे लिए बहुत प्रिय व्यक्ति होता है, और उस प्रिय व्यक्ति को देखने के बाद जैसे हमारे मन में खुशी होती है, प्रसन्नता आती है, आनंद होता है, तो वो आनंद महसूस करना ये मुदित भावना है। तो ये मुदित भावना ऐसे ही नहीं आती है ना। मतलब उसके लिए हमारे भीतर बहुत सारे अच्छे गुण होने चाहिए, है ना, मतलब जो बहुत सारे सद्गुण होने चाहिए। दुर्गुणी व्यक्ति ऐसा नहीं होता, दूसरों को सुखी देखकर, मतलब थोड़ा बहुत तो उसको ठीक लगा, लेकिन जो महसूस करना चाहिए उसकी सुख की जैसे भावना होनी चाहिए, वैसे मतलब वो नहीं रहती। आजकल तो ज्यादा लोग तो दूसरों को जब दूसरे लोग जब डरते हैं कुछ कुछ घटना को लेकर तो हंसते हैं, या किसी किसी बहुत तकलीफ महसूस करते हैं तब थोड़ा सा ये करते हैं। तो बुरे लोग ऐसे तो इस तरह के होते हैं, लेकिन अच्छे लोग जो सत्पुरुष के लोग होते हैं, वे लोग दूसरों को सुखी देखकर, दूसरों के सुख को देखकर स्वयं भी सुखी होते हैं, स्वयं आनंदित होते हैं, और ये भावना रखते हैं। अभी देखिए मुदित भावना वो भी है कि केवल हम आनंदित होना मात्र नहीं है, तो उसका जो मिला हुआ जो सुख है, वो सुख उससे अलग न हो जाए, वो सुख उसको वैसे ही बना रहे उसके साथ में, है ना। मतलब उसको जिस किसी वस्तु से अगर वो उसे सुख मिलता है, अगर मैत्री भावना में देखते हैं तो यथा लद्ध संपत्ति तो मा विगच्छन्तु, है ना। तो ऐसा उसका ये है, ये मुदित भावना का अंग है। तो जो कुछ भी संपत्ति के रूप में सामने वाले व्यक्ति की जो कोई बात है, जैसे कि कोई व्यक्ति सुंदर वस्त्र, मतलब अच्छे वस्त्र पहनता है, तो उसके लिए वो बहुत अच्छी संपत्ति है और उससे वो खुश है, तो उसको खुश देखकर हम भी खुश होते हैं और सोचते हैं कि इस तरह के जो भी उसको सुख देने वाले जैसे वस्त्र है, वो उसे मतलब अलग ना हो, कोई उसे छीन कर ना ले जाए, ये ऐसे ही उसको अच्छे वस्त्र मिलते रहे, है ना। कोई व्यक्ति भोजन करने से सुख मानता है या सुख देखता है, कोई अच्छे घर में रहते हुए सुख महसूस करता है, कोई बहुत अच्छा परिवार होता है, उसको प्रेम करने वाले बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन, बहुत बड़ा परिवार होता है, और जो सेवक होते हैं वो भी उस व्यक्ति को बहुत प्रेम करते हैं, सहस्नेह के साथ उसके आजू बाजू में रहते हैं। तो इस तरह से उस व्यक्ति को देखने के बाद कोई व्यक्ति उस व्यक्ति सोचता है कि अरे व्यक्ति सुखी है, और उस व्यक्ति का जो भी सुख है, जो भी संपत्ति है उसके पास, उससे वो अलग ना हो, वो हमेशा वो ऐसे ही बने रहे, है ना, वो ऐसा सोचता है। तो
वो व्यक्ति मुदित मुदिता के साथ उसका चित्त उत्पन्न हुआ और उस मुदिता की चित्त की भावना करता है। अगर वो बार बार वैसे करता है तो वो भावित करता है, ठीक है। और उसको बहुलता से भी अभ्यास कर सकता है, फिर और भी बढ़ा सकता है ना। तो उस तरह से मतलब हर किसी क्रियाओं में, हर इरियाबतों में उस तरह की भावना अगर उसे प्रकट हो जाती है तो वो ब्रह्म विहार बन जाता है, जैसे कि यानिकताय वत्तुकताय आदि। तो इस तरह से मुदिता का अर्थ है, मुदिता का एक स्वभाव है, मतलब जो हम में देखा जा सकता है। तो हम अपने ज्यादातर मुदित मतलब जो दूसरों की खुशी की कामना कर सकते हैं, दूसरों को खुश देखकर स्वयं खुश होते हैं, हम उन्हीं लोगों को देखकर जो हमें बहुत प्रिय होते हैं, है ना। जैसे हमारा पुत्र है, हमारे भाई हैं, या कोई बीवी है तो बीवी को खुश देकर, आप बीवी है तो पति को खुश देकर, पति है तो अपनी बीवी को देखकर, है ना। तो आदि आदि रूप से जो जो प्रिय लगता है उस प्रियजनों को देखकर, और एक मित्र दूसरे मित्र को सुखी देखकर स्वयं खुशी हो सुख होता है, मतलब सुख महसूस करता है, और उसके उसका सुख उससे अलग ना हो, उससे दूर ना हो, और वो सुख ऐसे ही उसका बना रहे, या उसको जो सुख महसूस करता है या जो उसको है अभी उसको याद करता है और मन में प्रसन्नता जगाता है कि अरे वो व्यक्ति भी ऐसा ही हमेशा सुखी रहे। तो ये लौकिक क्षेत्र में हम मुदिता भावना को देखते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसी प्रकार के जो अभी आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वही बात हमें समझनी है, यथा लद्ध संपत्ति तो मा विगच्छत्। अभी आध्यात्मिक क्षेत्र में संपत्ति कौन सी होती है, इससे पहले आप लोगों ने संपत्तियों के बारे में, धार्मिक संपत्ति के बारे में सुना होगा प्रवचनों में। जैसे कि कोई व्यक्ति श्रद्धावान होता है, तीन रत्नों के प्रति श्रद्धावान होता है। श्रद्धावान होने का अर्थ है ये नहीं है कि किसी भी पेड़ पौधों पर विश्वास करे, भक्ति करे, उसके उसको पूजा अर्चना करे, पेड़ों को वंदन करे, वो बहुत श्रद्धावान है, वो ऐसा नहीं है। श्रद्धावान का एकमात्र अर्थ होता है कि जिसकी श्रद्धा तथागत के बोधि पर है, धर्म और संघ के गुणों पर है, और निर्दोष पूर्ण है, मतलब उसको कोई कहीं कोई दोष नहीं है, मतलब यथार्थ है, प्रज्ञा सहित है, तो वो व्यक्ति श्रद्धा है। तो जब वो उसके भीतर श्रद्धा है और सामने वाला, हम देखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति में श्रद्धा है, तीन रत्नों के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितने गौरव से वो वंदन करता है, भगवान की सेवा में जाता है, वहां के भगवान के सामने की जो भी जगह साफ करता है या भगवान के आसपास बैठता है तो गौरव के साथ बैठता है, भगवान के पास से कभी भी पीठ मतलब एकदम से पीठ दिखाकर नहीं जाता है, भगवान की तरफ पैर नहीं करता है, भगवान के सामने जाने के बाद ऊंची आवाज में बात नहीं करता है, सौम्य रहता है ना। तो भगवान का एक तरह से वो गौरव करता है, तो हम समझते हैं कि ये व्यक्ति श्रद्धावान है ना। कि उसकी क्रियाओं में, जैसे कि भगवान बुद्ध धर्म और संघ को लेकर उसकी क्रियाओं में जो श्रद्धा प्रकट होती है, जो गौरव प्रकट होता है, तो उसको देखने के बाद हमारे मन में क्या आता है, अरे इस व्यक्ति के पास में श्रद्धा है, श्रद्धा संपत्ति है, और ये श्रद्धा संपत्ति इससे कभी अलग ना हो, ये श्रद्धा से कभी चूक ना हो, श्रद्धा से उसकी श्रद्धा कभी कम ना हो, ऐसे ही वो वृद्धिगत हो जाए, है ना। जैसे कोई अपना मित्र, अपने एक मित्र होता है, अपने मित्र को बहुत धनवान बनते देखकर उस समझता है कि अरे ऐसा ही धनवान बने, खूब फले, खूब फूले, है ना, उसको सभी प्रकार की धन संपत्ति ऐश्वर्य मिले, इसी प्रकार की वो कामना करता है, उसके सुख को देखकर अपने मन में भी प्रीति जगाता है, आनंद जगाता है। तो वो क्या कहलाता है, मुदिता भावना कहलाती है, वो मुदिता भावना है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमारे जो भी सब ब्रह्मचारी गण हैं और जो भी हमारे उपासक उपासिकाएं हैं, है ना, श्रावक लोग हैं, तो उनको देखने के बाद भी, उनके भीतर की जो संपत्तियां हैं वो देखने के बाद भी वैसे ही हमारे भीतर प्रीति जागनी चाहिए, आनंद होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, उनको धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए, उनको धर्म में उन्नति करते हुए देखते देखते हुए हमें खुशी होनी चाहिए। धर्म के क्षेत्र में ईर्ष्या करने जैसा कुछ होता नहीं है, है ना।
कोई व्यक्ति खुशी कब महसूस नहीं कर सकता है? जब व्यक्ति के भीतर ईर्ष्या जागती है ना? ईर्ष्या होती है तो व्यक्ति में खुशी नहीं होती है। ऊपर ऊपर से सामने आने के बाद थोड़ा सा स्मित करेगा, हंसेगा थोड़ा सा, और बोलेगा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा अगर पीठ उधर हो गई तो समझो कि उसके भीतर जलन आ जाती है, उसके चेहरे की सारी मायूस, मतलब जो खुशी है, गायब हो जाती है ना? लगता है कि अरे मेरे से आगे जा रहा है ना? लेकिन धर्म के क्षेत्र में ऐसा नहीं है। धर्म के क्षेत्र में जो जितना जितना धर्म धारण करता है, जैसे जैसे उन्नति करता है, उसको देखने के बाद हमारे भीतर बहुत खुशी आनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम सचमुच मुदिता ब्रह्म विहार सहगत, यानी कि मुदिता ब्रह्म विहार के साथ में विहार करते हैं। अभी वो ब्रह्म विहार नहीं बना है, उसके साथ में है, उसके सहगत आसेविता, वो मुदिता ब्रह्म विहार के सहगत है, उससे युक्त है। और उसकी भावना कब होती है? जब अभी आगे जाकर वो जो भावना की जाती है, तो वो भावना होती है, फिर वो भावना, फिर वो बहुली करते, बार बार करते हैं, वो आगे जाकर परिपूर्ण ब्रह्म विहार होता है। ठीक है, तो मुदिता ब्रह्म विहार के साथ हम बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझना है कि सामने वाले व्यक्ति में कौन सी संपत्ति है। जैसे कि हम किसी अपने श्रावकों को, चाहे भिक्खु हो चाहे भिक्खुनी, उपासक उपासिका हो, उसके भीतर जैसे हम श्रद्धा देखते हैं, तो उसकी श्रद्धा संपत्ति को देखने के बाद हमारे हृदय में प्रीति जागनी चाहिए। अगर हम जैसे कि अभी जीवित हमारे आजू बाजू में कोई नहीं दिख रहा है, तो हम कभी कभी भगवान बुद्ध जी के सद्गुणों के बारे में भी सोच सकते हैं, है ना? तो भगवान बुद्ध में कितने अनंत गुण हैं, उनके भीतर कितनी अनंत करुणा है, अनंत मैत्री है, अनंत मुदिता है। भगवान हमेशा चाहते कि संसार का हर कोई प्राणी सुखी बने, और उसके लिए हमेशा प्रयास करते थे, है ना? तो भगवान के भीतर के अनंत उपेक्षा आदि गुणों को सब देखने के बाद हमारे भीतर प्रीति जागनी चाहिए, खुशी जागनी चाहिए। और ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि जैसे क्रोध द्वेष आदि भावनाओं को दूर करने के लिए मैत्री ब्रह्म विहार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए एक औषध की तरह है, दवा के रूप में उपयोग में आता है। जैसे हमारे भीतर कभी विहिंसा, प्रतिघात की भावना आती है, प्रति बदले की भावना आती है, किसी को हानि कष्ट पहुंचाने की भावना आती है, तो उसको दूर करने के लिए करुणा ब्रह्म विहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसी प्रकार से जब हम धर्म के रास्ते आगे बढ़ते, कोई व्यक्ति पुण्य करता है, लेकिन पुण्य करते करते उसके भीतर मन में आता है, अरे क्या करूं, हर दिन तो करता हूँ, है ना, कुछ विशेष तो बात नहीं हो रही है, और इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा गाना सुनूं, है ना, इससे अच्छा है मैं कोई थोड़ा सा गेम खेलूं, इससे अच्छा है कोई फिल्म देखूं। तो इस तरह से अपने मन को डाइवर्ट करता है, अपने मन को अच्छाइयों से हटाकर, मतलब धर्म का धारण करने के मन को ले हटाकर, उस जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको, उसकी ओर मन को लगाता है, तो उस इसको कहते हैं आरती। आरती यानी धर्म आचरण करने की अरुचि निर्माण होना, मतलब रुचि कम हो जाना, है ना? तो इस रुचि को बढ़ाने के लिए, मतलब धर्म को धारण करने की प्रेरणा जगाने के लिए मुदिता ब्रह्म विहार बहुत अच्छा एक उपाय है, और उसके ऊपर मतलब अच्छी एक दवा है। ठीक है, तो जब कभी आपके भीतर मायूसी आ जाए, आप निराशा महसूस करें, या ऐसा लगे कि नहीं अभी मुझे नहीं करना है, दान नहीं देना है, शील का पालन नहीं करना है, उपोषित पालन नहीं करना, ध्यान नहीं करना है, अभी सो जा रहा, तो ऐसे समय में आप भगवान बुद्ध जी को याद कीजिए, भगवान बुद्ध जी के गुणों को याद कीजिए। और अगर उस तरह का अगर माध्यम आपको आलंबन मिल जाता है, तो आप आपके भीतर प्रीति जागेगी, और आप फिर से धर्म का आचरण करने लगे, दान देंगे, शील का पालन करेंगे, उपोषित करेंगे, ध्यान भावना करेंगे आदि, और जो भी अच्छे कर्म वो करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मुदिता भावना बहुत उपयुक्त है। तो हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में जैसे कि दूसरी संपत्ति है शील संपत्ति है ना? कोई व्यक्ति शीलवान होता है, बहुत शील का पालन करता है, कड़ाई से पालन करता है, तो उसको देखकर हमारे मन में प्रसन्नता आनी चाहिए, क्योंकि शील एक बहुत श्रेष्ठ संपत्ति है, और उसकी संपत्ति, वो शील से कभी
मतलब वो छूट ना हो, वो शील से कभी मतलब न हट जाए, वो उसकी ऐसी ही संपत्ति बनी रहे और ऐसे ही वो शील में उन्नति करता रहे। अगर वो कुछ शीलों का पालन करता है तो आगे जाकर और भी आगे 8 शीलों का भी पालन करे, अगर 8 शीलों का पालन करते हैं तो आगे जाकर और 10 शीलों का भी पालन करे। तो ऐसी ही भावना जब होती है तब हमारे मन में प्रीति जागती है, अरे मेरा ये सब ब्रह्मचारीगण, ये मेरा उपासक, ये उपासिका, ये जो भी श्रावक है वो इस तरह के सद्गुणों को धारण किया हुआ है और ऐसे ही उन्नति करता रहे, वो ऐसे ही सुखी बनता रहे। जब हम इस तरह की भावना करते हैं तो हम मुदिता सहगत चित्त उत्पन्न होता है, हमारा चित्त मुदिता के साथ में होता है। फिर आगे जाकर हमारे कोई सब ब्रह्मचारीगण भगवान का कोई और श्रावक श्रुतवान होता है, बहुत श्रुत होता है, उसको बहुत धर्म का ज्ञान होता है, बहुत सारे सूत्र ज्ञान को उसके मेमोरी में स्टोर होते हैं। मतलब ऐसे श्रुतवान और ज्ञानी व्यक्ति को देखने के बाद भी हमारे भीतर प्रीति जागनी चाहिए कि अरे ये बुद्ध का श्रावक, ये हमारा भाई, ये बहन, धर्म बंधु, इस तरह के मतलब धर्म के ज्ञान को मतलब जानता है, इस तरह का बहुत श्रुत है, श्रुतवान है, तो उसके श्रुत धन को देखने के बाद भी मन प्रसन्न होना चाहिए। उसी प्रकार किसी का कोई बहुत दानशूर होता है, त्याग करता है, मतलब कोई अपने अपने लिए जो बचा हुआ कोई खाना होता है उसमें से भी कोई ना कोई भाग देता है, दानशूर होता है, दान का सम विभाग करके मतलब उपयोग करता है। तो ऐसे दानी व्यक्ति को वो त्याग एक धन है और उस व्यक्ति का वो धन देखकर, त्याग धन देखकर मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। लेकिन ऐसे जो मिथ्या दृष्टिक लोग हैं, जो असत्पुरुष लोग हैं, वे लोग दूसरे लोग जब दान देते हैं तो उसकी कभी प्रशंसा नहीं करते, ये मूर्ख लोग हैं, अपने धन की खानी कर रहे हैं, दिया हुआ धन कभी कभी वापस आता है, और जहाँ धन देते हैं उन लोगों का अच्छे अच्छे खासे दो हाथ पैर है, हट्टा कट्टा शरीर है, उनको देते हैं, है ना। तो वो दान की मतलब प्रशंसा नहीं करते हैं, निंदा करते हैं, वो लोग उनको दान देते हुए कभी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, है ना। जो मूर्ख लोग होते हैं वो कभी दूसरे लोग दान देते हुए देखकर प्रसन्न नहीं होता, लेकिन सत्पुरुष लोग है ऐसे नहीं होते, अगर कोई व्यक्ति दान देता है तो बहुत प्रसन्न होता है। ये आमिष दान की बात नहीं है, कभी कभी धर्म दान भी जब कोई व्यक्ति देता है, धर्म की एक गाथा भी कोई व्यक्ति दान देता है तो उसको भी देखकर कोई व्यक्ति प्रसन्न मन से अनुमोदन होता है, अरे कितनी अच्छी बात है, ऐसे ही धर्म का दान देते रहे, ऐसे ही आमिष वस्तु का दान देते रहे और अपने ये दान इस त्याग धन में ऐसे ही उन्नति करता रहे और ये त्याग धन उसके निर्वाण में उसको सहायक बने, ऐसी सद्भावना रखता है और अपने मन में बहुत खुशी जगाता है। तो ये होती है मुदिता सहगत भावना, मुदिता युक्त ब्रह्म विहार। तो फिर और उससे आगे और सर्वश्रेष्ठ धनों में धन है प्रज्ञा धन है, मतलब जितने भी धन है उन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है प्रज्ञा धन। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रज्ञा प्रज्ञा में पुष्ट हुआ देखता है, प्रज्ञा उसकी बहुत बलशाली देखते हैं, मतलब उसकी चाहे श्रुत में प्रज्ञा हो, चाहे भावना में प्रज्ञा हो, चाहे चिंतन में प्रज्ञा हो, ये सभी प्रज्ञा है उसकी मतलब बहुत अच्छी है और प्रज्ञा में पका हुआ है, तो उसकी प्रज्ञा धन को देखकर भी मन में प्रसन्नता जगाता है कि ये प्रज्ञा उसकी ऐसे ही बनी रहे, प्रज्ञा में ऐसे ही उन्नति करता रहे और उस प्रज्ञा में उन्नति करता हुआ निर्वाण तक पहुंच जाए। तो इस तरह से उसकी संपत्ति में वृद्धि ही हो, ये भावना रखते हुए वो अपने भीतर मुदिता जगाता है, ठीक है। तो ये कहलाती है मुदिता भावना या मुदिता चित्त, मुदिता युक्त व्यवहार, ठीक है। तो अभी हम अभी अभी मुदिता के बारे में आपको समझ में आया है ना, कि जैसे कोई दूसरा एक अर्थ समझाता हूँ जिससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्रिय होता है और प्रिय व्यक्ति को देखने के बाद, जैसे कोई आजकल जैसे कि मित्र होता है ना, कोई आजकल कोई पति पत्नी भी होते हैं, तो एक दूसरे को मिलने के बाद उनके जब मैं उन ऐसा सोचते हैं कि मैं उनको मिलूंगा या वो मिलने वाले हैं, तब से लेकर हमारे मन में हमेशा खुशी बनी रहती है, मतलब हमेशा प्रसन्नता बनी रहती है ना, मिलूंगा करके सोचूंगा या मिल रहे हैं या मिलते हैं, और मिलने के बाद हमेशा चेहरे पर ऐसी मुस्कान रहती है, मतलब कभी मायूस नहीं, चेहरा नहीं होता, वो नाराज नहीं होता, मिलने के बाद
मतलब ऐसा उसका मुंह लटका हुआ नहीं रहता, वो हमेशा प्रसन्न रहता, खुश रहता है। तो ये मुदिता होने का एक प्रमाण है ना। तो ऐसी भावना जहाँ कहीं उत्पन्न होती है तो उसको कहते हैं मुदिता, मुदिता सहगत भाव या व्यवहार। ओके, तो अभी मुदिता का अर्थ समझ लिया, और अभी समझ लेते हैं मुदिता चेतो विमुक्ति क्या होती है। चेतो विमुक्ति भावना होती है ध्यान सहगत होना जरूरी है। जैसे कि अगर आपके भीतर बहुत सारे अच्छाइयां हैं, सद्गुण हैं, शील का पालन करते हैं, मिथ्या दृष्टि को दूर किया हुआ है, सम्यक दृष्टिवान बने हुए हैं, और सभी पापों को दूर किया हुआ है, सभी कुशल धर्मों से युक्त तो बने हैं, इस कारण से आपके हृदय में प्रमोदित भाव जागेगा। प्रमोदित से आपका मन प्रीति युक्त तो होगा, प्रीति से आप प्रीति के कारण आपका मन और शरीर प्रशब्द शांत होगा, मतलब बहुत सारे स्मृति जागृत रहेगी, और इससे आपको सुख महसूस होगा। और सुखी सुखी व्यक्ति का मतलब, जब फिर आप सोचते हैं कि मैं ब्रह्म विहार की भावना करूंगा, तो चित्त उसका सहज एकाग्र होता है। तो उस एकाग्रता के साथ में जब ये भावना, मुदिता भावना, चाहे मैत्री हो चाहे करुणा हो चाहे मुदिता, उसके साथ जुड़ जाती है, तो वो भावना कहलाती है। कैसी वो भावना कहलाती है? चेतो विमुक्ति, उसे कहती है मुदिता सहगत चेतो विमुक्ति बन जाती है, चेतो विमुक्ति भावना बन जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब इन्हीं गुणों से युक्त होने के बाद, सभी निवरणों को दूर करने के बाद, विविच ही काम ही विविच अकुशल ही दम ही, सभी अकुशल दूर होने के बाद, सवितक्कं सविचारं विवेकजं प्रीति सुखं पठमन जान उपसंभजति, उस तरह से वितर्क सहित विचार सहित विवेकजन्य प्रीति सुख युक्त। अभी इसका मुझे वर्णन करने की जरूरत नहीं, इससे पहले मैंने पूरा डिटेल्स बता दिया है। तो इस ध्यान की स्थिति को प्राप्त करता है, और उस ध्यान की स्थिति में रहते हुए उसके भीतर, उसके चित्त चित्त में जो मनसिकार बढ़ाता है या मनसिकार आता है, मुदिता सहगत, मुदिता युक्त, मुदिता के साथ में जब वो चित्त मतलब उत्पन्न करता है, तो वो ब्रह्म विहार कैसा कहलाता है? मुदिता सहगत चेतो विमुक्ति ब्रह्म विहार। ठीक है, अभी वो सहगत बनी है। अभी जब हम उसके मतलब भावना करते हैं, भाविता है, बहुलीकता है, बहुलता से करते हैं, भावित कर भावित करने का अर्थ होता है कि ये वो मुदिता भाव उत्पन्न हुआ और हम उसकी भावना कर रहे हैं, मतलब उसको उस विचार को कंटिन्यू बना रहे हैं। तो ये क्या है? उसकी भावना है, वो भाव योनिसो मनसिकार ही भावना है। आज लोग समझते नहीं है, कि लोग समझते हैं कि मन में कोई विचार आता है, मतलब वो ध्यान नहीं है, है ना। मतलब जो विचार कोई कल्पना करते हैं कि जहाँ विचार सब शून्य हो जाते हैं तब ध्यान लगता है ऐसा, लेकिन एकदम से विचार शून्य नहीं आता है ना। वितर्क विचार के साथ में ही ध्यान आरंभ होता है। तो उसके बाद में जो मनसिकार जुड़ जाता है मुदिता सहगत, और उसके हम भावना करते हैं, बहुलीकता से अभ्यास करते हैं, यानी यंत्र की तरह करते हैं, मतलब निरंतरता के साथ, वत्थुकता है, बस उसी गुण धर्मों से हर इरियापतों में वो गुण धारण किए हुए रहते हैं, और अनुष्ठिता है कि हर किसी मतलब आँख खुलने के बाद या आँख बंद करने के बाद हर इरियापतों में जिस किसी घटना को लेकर देखते हैं, तो वो भाव उत्पन्न होता है उसके साथ, मैत्री करुणा मुदिता आदि के साथ। तो अनुष्ठिता है, परिचिता है, बड़ी प्रकार से परिचित करते हैं। तो इस तरह से ये ब्रह्म विहार की भावना बन जाती है, भावना परिपूर्ण हो जाती है, मुदिता ब्रह्म विहार की भावना परिपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से फिर प्रथम ध्यान है, फिर द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, चतुर्थ ध्यान तक ही मतलब रहकर उस मुदिता भावना की मतलब द्वितीय ध्यान तक, मतलब दूसरे ध्यान तक ही उसकी मतलब मुदिता भावना कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तृतीय ध्यान में क्या होता है? प्रीति आचे प्रीति आचे विरागा उपेक्ष को जो विरति, है ना। तो यहाँ उपेक्षा के साथ में वो आगे का ध्यान, द्वितीय दूसरे ध्यान तक आकर ये मुदिता भावना का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन उस ध्यान के में स्थित होने के बाद जो मुदिता सहगत हमारा मनसिकार बना रहता है, तो तब जाकर हम क्या कर सकते हैं? वो मुदिता ब्रह्म विहार की भावना करते हैं। और मुदिता ब्रह्म विहार की भावना भी करते समय अगर
रूप लोक में उत्पन्न होने की भावना है, समझो। रूप लोक, रूप लोक में, रूप लोक यानी कि ब्रह्म लोक में, ठीक है। तो ऐसे मूल करके करता है तो वो वहां तक उसको पहुंचा देती है, मतलब वहां तक पहुंचने में वो उपयुक्त बन जाती है। और इस तरह की भावना में प्रतिष्ठित होने के बाद यदेव तत्त्व होती, जैसे हमने पंच स्कंद के बारे में जो विपस्सना भावना सीखी थी, तो वहां पर एक शब्द सुना सीखा था, कौन सा, यदेव तत्त्व होती। उस समापत्ति में, उस ध्यान की स्थिति में रहकर फिर वो पंच स्कंद के बारे में, है ना, रूप वेदना संज्ञा संकार विज्ञान के बारे में जो मनसिकार करते, योनिसो मनसिकार करते हैं, तो वो विपस्सना भावना जुड़ जाती है और वो व्यक्ति मुक्त तो बन जाता है, यानी कि ये विमुक्ति तक उसकी पहुंच है, ठीक है। मतलब ये विपस्सना की ओर भी बढ़ाती है। तो इस तरह से ये मुदिता भावना है। मुदिता भावना अभी समझ में आई होगी। तो मुदिता भावना भी तीन तरह की, मतलब की जाती है, उसको भावित किया जा सकता है। व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष की जा सकती है कि पर्टिकुलर आप किसी व्यक्ति यानी सत्व प्राणियों को लेकर मुदिता भावना की जा सकती है। महगत रूप से यानी कि अपने भूमि प्रदेश या स्पेस को बढ़ाते हुए, महगत करते हुए, बड़ा करते हुए उस मुदिता ब्रह्म विहार की भावना कर सकते हैं। और अप्रमाण, अप्रमाण चेतो विमुक्ति, मुदिता सहगत अप्रमाण चेतो विमुक्ति भावना। तो अप्रमाण का अर्थ होता है कि दिशाओं को लेकर, दिशाओं को लेकर का अर्थ होता है कि सीमा रहित। अभी हम सीमा रहित यानी कि अगर पूर्व दिशा है तो सीमा रहित, और उतनी दिशा में जितने भी रहने वाले प्राणी हैं, सब्बे पाना, सब्बे भूता, सब्बे पुगला, जो हमने पहले सिखाया था वो, फिर मनुष्य है, अमनुष्य है, दृश्य अदृश्य, सारे जीव जिसके भीतर वो मुदित भावना या जो भी ऐसे जो जिस प्रकार का सुख उस व्यक्ति को मिला है या जिस प्रकार की संपत्ति उसके पास है, जिस कारण से वो व्यक्ति सुखी है, उससे वो अलग ना हो, ऐसे ही वो लोग सुखी बने और अपने सुखों में वृद्धि करें, ये भावना होती है, उसको सीमा रहे। देखिए, हमने करुणा मैत्री ब्रह्म विहार की भावना देखते समय में भी देखा था कि ये मैत्री ब्रह्म विहार होने के बाद कितना हृदय मृदु बन जाता है ना, उसके भीतर कहीं कोई बुराई ठहर नहीं सकती है। नतन तत्रावशिष्यति, मतलब उसमें कहीं कोई कोई अकुशल उसमें शेष रहता नहीं, उसके भीतर, मतलब वो मैत्री ब्रह्म विहार की भावना भी करे और उसके भीतर कोई एक अकुशल बच रहा है, मतलब ये अकुशल अभी भी उसके अंदर है, ऐसा नहीं होता है, मतलब वो ठहरता नहीं, उसके चित्त में केवल अच्छाई ही अच्छाई होती है। तो उसी प्रकार करुणा ब्रह्म विहार के बारे में देखा, तो करुणा ब्रह्म विहार में भी देखा कि किसी भी प्राणियों के प्रति, किस रंच मात्र कहीं कोई भी मतलब हानि करने का भाव नहीं, बहुत करुणा है, बहुत सद्भाव है, तो वो व्यक्ति किसी को हार्म नहीं कर सकता है, किसी को कटुवाने से बोल नहीं सकता है, शरीर से कोई बुरा व्यवहार नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मन में भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकता है ना। तो मुदिता भावना को लेकर भी, अगर मुदिता भावना, अगर इस तरह से भावना करेंगे, इस संसार के सारे प्राणी लोग, जो जो लोग सुखी हैं ऐसे ही सुखी बने और अपने सुखों में ऐसे ही वृद्धि करते रहें, हमेशा हंसते खिलते रहें, है ना। तो इस तरह की अगर भावना अगर करेंगे तो क्या वो व्यक्ति रंच मात्र भी किसी का बुरा कर सकता है? नहीं कर सकता है, उसके भीतर इतने अच्छा, इतनी अच्छाई आएगी कि उसके किसी भी व्यवहार में कहीं कोई बुराई नहीं आएगी, वो व्यक्ति एकांतता श्रेष्ठ जीवन जिएगा, सचमुच एक ब्रह्म विहार, एक ब्रह्मा का गुण वो धारण करेगा, है ना। तो ऐसा भी होना चाहिए, अगर ऐसा करते हैं तो आप सही मायने में बुद्ध के श्रावक हैं, बुद्ध के श्रावक बनते हैं, धर्म का आचरण करने वाले बनते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप किस कुल में जन्मे हुए हैं, है ना, आप हिंदू है, मुस्लिम है, या अन्य किसी धर्म संप्रदाय में जन्मे, ये जरूरी नहीं होता। अगर ये गुण धर्म धारण करते हैं, अनंत मैत्री, अनंत करुणा, अनंत मुदिता, तो आप सचमुच धर्म का आचरण करने, धर्म से युक्त है, धार्मिक है, और आप सचमुच एक संत लोक है, सत्पुरुष है, श्रेष्ठ जीवन जीने वाले, और एक इंसान है तो एक अच्छा इंसान, एक मतलब इंसानियत को संभालने वाले, इंसानियत का जीवन जीने वाले बनते हैं, है ना। तो ऐसा होना चाहिए अगर, लेकिन अभी ये कलयुग है तो कलयुग में लोगों के भीतर की बहुत सारी अच्छाइयां घटित हो रही है, अगर उन मतलब अच्छाइयां मतलब
हानि हो रही है, अगर उसकी आरक्षा करना चाहते हैं तो ब्रह्म विहार की भावना करनी चाहिए। ये काल और भी मतलब लंबे समय तक बढ़ सकता है, और हमेशा अगर ऐसा करते हैं तो आप सचमुच धर्म की रक्षा करने वाले बनते हैं। अधर्म की रक्षा नहीं करेंगे, अधर्म अधर्म परास्त होगा, वह धर्म का जय, धर्म की जय होगी, है ना। ये परिभाषा होती है धर्म की रक्षा करने की, तो ऐसी धर्म की रक्षा करने वाले बनने चाहिए। ठीक है, तो मुदिता भावना भी हमें ये तीन प्रकार से कर सकते हैं। तो मुदिता भावना करने के लिए सबसे पहले, जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारे लिए सबसे प्रिय होता है, तो उसको सुखी देखकर हमारे मन में भी जो आनंद उत्पन्न होता है, प्रीति जागती कि अरे ये ऐसा है सुखी बने, अगर मेरा पुत्र है जिस तरह का वो सुखी है तो वो ऐसा ही बने। अगर उसके भीतर के कोई अच्छे सद्गुण देखते हैं, मतलब पढ़ाई में वो बहुत अच्छा है, अच्छे मार्क्स लाता है, कुछ और भी कोई मतलब स्पोर्ट्स में अच्छा है और वो बहुत उसमें मतलब जीत लेता है, तो उसको देखकर माता पिता कितनी खुशी होती है ना। तो जैसे कि प्रियजनों को देखने के बाद जैसे बहुत मतलब तुरंत एक प्रीति जाग सकती है, जैसे कि अगर शत्रु को देखकर वैसे नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे पहले तो मन नहीं करेगा कि उसको ऐसा खुश देखकर, मतलब वो ऐसा ही खुश रह करके ऐसा मन नहीं होगा, है ना। या मध्यस्थ व्यक्ति है तो उसको भी देखकर उतना ये नहीं होगा, ठीक है सब। जैसे अगर अंबानी है ना, अभी इतना धनवंत बना है, भारत में एक नंबर है, वो है अपना क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में ऐसा खुशी नहीं होगी, है ना, प्रीति नहीं जागेगी। तो ऐसे मतलब मध्यस्थ है, क्योंकि मध्यस्थ है क्योंकि हमारा कोई ना भाई है ना रिश्तेदार, ना दूर दूर का भी रिश्तेदार नहीं है, इस कारण से मध्यस्थ है। तो उसको उन्नति करते हुए, उसकी धन संपत्ति उन्नत मतलब धन संपत्ति बढ़ते हुए देखकर भी खुशी नहीं होती है। तो इसलिए वैरी व्यक्ति, मध्यस्थ व्यक्ति या बहुत प्रिय व्यक्ति को पहले उसकी उसको मूल करके पहले मुदिता भावना नहीं करनी है। तो सबसे पहले करनी है कि जो गौरवनीय व्यक्ति है, तो गौरवनीय कौन है, जैसे भगवान के श्रावक है, गुरु है, हम जिनको एक आदर्श रूप में मानते हैं, तो उनको लेकर करनी चाहिए। फिर माता पिता है ना, फिर उसके बाद में अपने भाई बहन या तो रिश्तेदार हैं, फिर उसके हाँ उसके बाद ये भी बात है कि मृतक को लेकर भी पहले नहीं करना है, मरे हुए व्यक्ति को, ठीक है, क्योंकि उससे मन उब जाता है, वो मतलब वो चेतो विमुक्ति वो स्थिर नहीं रहती, वो मतलब वो उसको अर्पणा समाधि ठहरती नहीं है, है ना। तो मृतक को लेकर भी नहीं करनी है। फिर अपने मित्र है, फिर मध्यस्थ लोग हैं, और फिर वैरी लोग हैं, ठीक है। अगर वैरी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, मध्यस्थ तक करनी है, ठीक है, क्योंकि जो सत्पुरुष स्वभाव के लोग होते हैं उनका कोई वैरी नहीं होता है, तो मध्यस्थ तक ही करनी है। तो इस तरह से व्यक्ति विशेष करनी है। फिर आप कर सकते हैं सब्बे पाना सब्बे भूता, है ना, तो इसको लेकर सब्बे पाना, एक एक को लेकर उसकी फिर भावना करनी है। सब्बे पाना सब्बे भूता सब्बे पुगल आदि, है ना, जो हमने स्पष्टीकरण देखा था, तो वो सारे लोगों के बारे में करनी है। तो आदि व्यक्ति विशेष कर सकते हैं, मतलब सत्व विशेष लोग कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर हम महगत रूप से करेंगे, तो अपने चित्त को महगत होना जरूरी है। तो महगत होने के लिए जैसे कि वो चित्त का समाहित होना बहुत जरूरी होता है, मतलब ध्यान स्थिति में प्रतिष्ठित होना, समाहित होना बहुत जरूरी होता है ना। तो इससे महगत बहुत सहज रूप से चित्त होता है, और महगत रूप से भी करना है तो फिर महगत रूप से करने के बाद फिर किसी व्यक्ति को नहीं लाना है, पर्टिकुलर मनुष्य है अमनुष्य है या पर्टिकुलर इसके नहीं लाना है, चाहे जो भी है इस भूमि मतलब जो इस भूमि प्रदेश में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे अमनुष्य हो, चाहे मतलब दृश्य अदृश्य सारे प्राणी, वो भी मतलब जो भी जिस तरह की वो सुखी है, वो उनका वो इसी प्रकार से सुखी बने। और खास करके अगर धन संपत्ति आदि की भौतिक चीजों की बात अलग है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में सोचना चाहिए कि जो जिन लोगों के भीतर हृदय में श्रद्धा शील श्रुत त्याग और प्रज्ञा ये गुणधर्म है या ये धन है, तो ये धन से वो और भी धनाढ्य बने, धन संपन्न बने, उसमें वृद्धि करे, और इन इसी प्रकार से सुखी बनते हुए परम सुख निर्वाण को भी प्राप्त हो, और वो इनसे मतलब उसे अलग ना हो, इनसे वंचित ना रहे, इस तरह की भावना बने मन करनी चाहिए, ठीक है।
तो फिर महागत रूप से फिर एक गांव है, फिर एक नगर है, एक प्रदेश है, फिर संपूर्ण पृथ्वी में रहने वाले लोग एक चक्रवाल हैं, फिर ये महागत रूप से कर सकते हैं। तो इस तरह से महागत रूप में स्पेस को बढ़ाते हुए महागत चेतो विमुक्ति से मुदिता ब्रह्म विहार की भावना करनी है। फिर अप्रमाण चेतो विमुक्ति को लेकर ऐसे ही करनी है कि अगर एक दिशाओं को लेकर पूरब की दिशा है, तो पूरब की दिशा में अनंत दिशा तक, मतलब एक पृथ्वी की दूरी तक ही नहीं है, पृथ्वी से परे भी एक चक्रवाल, दो चक्रवाल, हजार नहीं लाखों, मतलब लिमिटलेस, को सीमा नहीं करना है, अनंत दिशा में अनंत रहे। और वहां पर रहने वाले भी, फिर वहां पर सत्वों का भी ये नहीं करना है, मतलब उसको आइडेंटिफाई संज्ञा नहीं देनी है, जितने भी प्राणी वो सारे प्राणी है ना, तो वो भी ऐसे, मतलब सभी लोग सुखी बने और अपने सुखों से कभी वंचित ना हो। जिस कारण से उसको सुख मिलता है, चाहे खाने पीने से लेकर हो, चाहे प्रियजनों से हो, चाहे जिस प्रकार का भौतिक चीजों को लेकर भी जो सुखी है, उन सुखों से भी कभी वंचित ना हो, ऐसे उस सुखों में वृद्धि करे। और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जो श्रद्धा, शील, श्रुति, त्याग, प्रज्ञा आदि गुण धन है, या उनसे मिलने वाला जो सुख है, वो उसमें वृद्धि ही करे और परम निर्वाण भी प्राप्त करे। तो इस तरह से उनके सुखों को देखकर या सुखों को स्मरण कर हमारे भीतर भी प्रीति जगानी है। तो इस तरह से फिर पूरब दिशा है, पश्चिम है, पूरब है, दक्षिण है, पश्चिम है, उत्तर है, फिर अनुदिशा है, चार ऊपर और नीचे की दिशा, ऐसे दसों दिशाओं में अप्रमाण रूप से, सीमा रहित रूप से भावना करनी है। और ये भावना इसी प्रकार से करनी है, चारों इरियापथों में करनी है, बैठे हुए, लेकिन आरंभ में तो बैठे हुए करनी है, लेकिन जब हमारा चित्त स्थिर हो जाता है तो चंक्रमण करते हुए करना चाहिए, क्योंकि चंक्रमण करते हुए की हुई साधना भावना अधिक लंबे समय तक रहती है, वो करना चाहिए। चंक्रमण करने के लिए एक जगह तय करनी चाहिए, यहाँ से इतनी दूरी तक चंक्रमण करना है, और वहां पर स्मृति के साथ खड़ा रहना है, और मन में अधिष्ठान करना है, मतलब एक चित्त जगाना है, मुदिता भावना का, ब्रह्म विहार का अभ्यास करूंगा, या मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा में से, और उसको लेकर फिर वैसे करनी है। ठीक है, तो जो उसके साथ में चित्त उत्पन्न होता है, तो आसेविता से उसको साथ जुड़ा, सहगत है, भाविता, बहुलिकता, यानिकता आदि थी, उस परिपूर्ण करने है। तो इस तरह से वो चंक्रमण करते हुए भी करनी चाहिए, फिर खड़े रहते हुए भी करना चाहिए, और लेटे लेटे भी करना चाहिए। ठीक है, तो इन चारों इरियापथों में, चारों शरीर की स्थितियों में हमें ये ब्रह्म विहार की भावना करनी चाहिए। ठीक है, तो आज हमने सीखा है कि सही ढंग से, मतलब मुदिता ब्रह्म विहार की भावना कैसी करनी है, मुदिता क्या होती है, मुदिता सहगत हमारे व्यवहार कैसे होते हैं, मुदिता सहगत चेतु विमुक्ति क्या होती है, मुदिता सहगत चेतु विमुक्ति ब्रह्म विहार कैसे परिपूर्ण भावित होता है, इसके बारे में हमने देखा है और समझा है। अगर ये प्रवचन ठीक से नहीं समझा है, तो इसे कोई शब्द डिफिकल्ट लगा हो, तो इससे पहले के प्रवचन सुने जो ब्रह्म विहार के बारे में बताए हैं, ताकि आपको, मतलब उसमें हमने पूरे शब्दों का विवरण दे दिया है। अगर ये आपका पहला नहीं है, तो आपके लिए कोई शब्द कठिन नहीं रहेगा, ये निश्चित है, और आप सहज रूप से इस मुदिता ब्रह्म विहार की भावना भी परिपूर्ण रूप में भावित कर सकते हैं, और अपने जीवन में श्रेष्ठतम फल प्राप्त कर सकते हैं। केवल लौकिक स्तर पर ही नहीं है, लोकोत्तर स्तर पर भी हम बहुत श्रेष्ठ प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। धर्म मार्ग पर, यानी कि विमुक्ति के मार्ग पर आ जाते हैं, मार्ग पर आरूढ़ होते हैं, या मार्ग फल को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ ब्रह्म विहार है, इसकी भावना सदा करते रहें, और इससे संबंधित कोई भी अगर प्रश्न रहे या कुछ बात रहे, तो हमसे पूछते रहें, ताकि मतलब कोई भी, मतलब आपको कठिनाई ना हो आगे जाने में। ठीक है, तो आज का ये सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। आज जो हमने यहाँ धर्म दान दिया है, भगवान बुद्ध ने बताए हुए उपदेश को आप लोगों को बताया है, धर्म का दान दिया है, सभी दानों को जीतने वाला पुण्य अर्जित किया है, तो ये अग्रतम पुण्य आप सभी सबको अनुमोदन करता हूँ, और संसार के भी सभी दृश्य अदृश्य सभी जीवों को भी अनुमोदन करता हूँ। इस पुण्य के अनुमोदन से आप सबको सुख शांति मिले, आप सबके हृदय में धर्म जागे,
श्रद्धाशील श्रुत त्याग और प्रज्ञा में आप वृद्धि करें और आपको इस संसार का सर्वोच्च सुख परम सुख निर्वाण सुख मिले, और ये सारे संकल्प आपके परिपूर्ण होने में और ये सारे सुख पाने में यह पुण्य हेतु प्रत्यय बने करके अनुमोदन करता हूँ और आशीर्वाद करता हूँ। सुखी निदुखा निरोगा हुंतु निब्बानस पच्चयो हुतु, सुखी हुंतु। साधु साधु साधु।